दोस्तों जब इमिग्रेशन की बात आती है तो कैनेडियन गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी बन जाता है फैमिली रीयूनिफिकेशन, यानी कि फैमिलीज़ को आपस में मिलाना कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए टॉप प्रायोरिटी बन जाती है। और इस प्लान में सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है पेरेंटल और स्पाउजल स्पॉन्सरशिप को। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पेरेंट्स को किस तरह से आप स्पॉन्सर कर सकते हैं और किस तरह से अपने पेरेंट्स को परमानेंट रेजिडेंस दिलवा सकते हैं। इससे पहले कि मैं पेरेंटल स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करूं, आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि कनाडा का नज़ारा किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से हर तरफ हरियाली होने की वजह से कनाडा का जो है दृश्य चेंज हो रहा है। बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है दोस्तों कनाडा में देखने के लिए। कनाडा इज़ आई थिंक सेकंड नंबर पर आती है ये ग्रीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये जो हैं ये राइड्स हैं, ये बच्चों के लिए लगाई गई हैं ताकि बच्चे खेल सकें। ये वही पेड़ हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाए थे, पूरी तरह से सूखे हुए थे और कितनी जल्दी इन पेड़ों पर जो है पत्ते आ चुके हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं एक स्कूल है और स्कूल के आसपास जो है ये बहुत अच्छी पार्क बनी हुई है। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यही नज़ारा देखने के लिए लोग बाहर के देशों से कनाडा आते हैं। कनाडा बहुत ही सुंदर जगह है देखने के लिए दोस्तों। दोस्तों बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें माँ बाप का सिर्फ एक ही बच्चा होता है और वो बच्चा भी अगर विदेश पढ़ने चला जाए तो माँ बाप अकेले पड़ जाते हैं। इस दर्द को समझते हुए कैनेडियन गवर्नमेंट ने सुपर वीज़ा लॉन्च किया था। सुपर वीज़ा विजिटर वीज़ा का ही एक वर्जन है लेकिन ये उसका बेटर वर्जन है। सुपर वीज़ा लगने पर आप कैनेडा में लगातार 2 साल तक रह सकते हैं। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ये लॉन्च किया गया था तो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को हर 6 महीने में वापस ना जाना पड़े, इसीलिए सुपर वीज़ा लॉन्च किया गया था। तो अगर आप अपने पेरेंट्स की आपने पेरेंटल स्पॉन्सरशिप अप्लाई की हुई है और आप डिसीजन का वेट कर रहे हैं तो आप साइड बाय साइड उनका सुपर वीज़ा लगवा कर सुपर वीज़ा की आपका जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो बात हुई सुपर वीज़ा के बारे में। अब बात करता हूँ मैं पेरेंटल स्पॉन्सरशिप के बारे में। पेरेंटल स्पॉन्सरशिप पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को परमानेंट रेजिडेंस और उसके बाद सिटीजनशिप दिलाने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है। तो किस तरह से आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं सिटीजनशिप का तोहफा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। एलिजिबिलिटी के अनुसार आपकी 18 या 18 से ज़्यादा की उम्र होना ज़रूरी है और आपको कनाडा में रहना ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट्स की स्पॉन्सरशिप लगा रहे हैं तो आपका कनाडा में मौजूद होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आपका कैनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंस या अ पर्सन रजिस्टर्ड इन कनाडा एज एन इंडियन अंडर द कैनेडियन इंडियन एक्ट, इन तीनों में से आपका कोई भी एक होना ज़रूरी है। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपके फाइनेंशियल्स जो हैं बहुत अच्छे होने चाहिए। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपनी फैमिली को और अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को जिनको भी आप स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का आपके पास अमाउंट होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको प्रॉमिस ऑफ अंडरटेकिंग भी साइन करनी होती है। ये अंडरटेकिंग 20 साल के लिए साइन की जाती है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। ये अगर आप स्पाउजल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपको सिर्फ 3 साल की अंडरटेकिंग साइन करनी होती है, लेकिन इस सिचुएशन में पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए आपको 20 साल की अंडरटेकिंग साइन करनी है। उसका अंडरटेकिंग का मतलब ये है कि आप जो है पूरी तरह से फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, और आप ये प्रॉमिस करते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट को कि अगर खुदा न खास्ता आपके पेरेंट्स को लोन लेना पड़ता है या किसी भी तरीके की सहायता लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से तो वो जो है आप उनके बिहाफ पर रीपे करेंगे अगर वो ना कर पाए तो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पेरेंटल एप्लीकेशन लगाना बहुत ही इजी है, लेकिन दोस्तों ये उतना आसान नहीं जितना ये लगता है।
जिस तरह से ज़िंदगी एक रेस है, उसी तरह से पेरेंटल स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन भी एक रेस बना दी गई है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से रेस है। देखिए, 2019 से पहले सिर्फ 5000 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाती थी, तो उसमें लकी ड्रॉ निकलता था। जिसकी भी एप्लीकेशन लकी ड्रॉ में निकल गई, उनके पेरेंट्स को स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी। लेकिन वो मॉडल जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इसलिए इन्होंने अब वो मॉडल को चेंज कर थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। इस नए मॉडल के अकॉर्डिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होंगी। गुड न्यूज़ ये है कि 5000 से बढ़ाकर इसे 20000 कर दिया गया है, लेकिन इसे अब रेस बना दिया गया है, यानी कि जो पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देगा उसी को ही मौका दिया जाएगा अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करने का। तो इस साल जनवरी में जब ये मौका दिया गया था लोगों को, तो कुछ ही मिनटों में, आई थिंक लेस देन 15 मिनट्स के अंदर अंदर 27000 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर ली गई थी, और उसके बाद उसे बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों, 15 मिनट के अंदर अंदर जिन्होंने भी अप्लाई कर दिया वो लकी रहे, और बाकी जो हैं उनको अब नेक्स्ट ईयर की वेट करनी पड़ेगी, या फिर दोबारा इस साल अगर एप्लीकेशंस खुलती हैं तो दोबारा उस मौके का इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों, ये जैसे मैंने कहा कि ये रेस बन चुका है, और इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप ये एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ किसी कंसल्टेंट से, किसी लाइसेंस कंसल्टेंट से संपर्क कीजिए, ताकि वो आपके एप्लीकेशन जो है सही तरीके से लगा सकें। क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन में मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको फिर से उस रेस में हिस्सा लेना पड़ेगा, और उसके बाद एलिजिबिलिटी आपको कंटिन्यूसली मीट करते रहना पड़ता है, क्योंकि 3 साल की जो है आपकी इनकम मीट होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल होते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है एप्लीकेशन से रिलेटेड, प्लीज़ हमारी टीम से संपर्क कीजिए, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू फाइल योर एप्लीकेशन। दोस्तों, हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा है पास्ट में पेरेंटल स्पॉन्सरशिप को लेकर, एंड आई एम श्योर कि हमारी टीम जो है आपकी भी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकेगी। तो प्लीज़, अगर आप अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, हमारी टीम को ज़रूर इन नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, और भी बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हैं। थैंक यू।